कस्टर्ड रेसिपीज तो आपने बहुत बनाई होंगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट तरह का कस्टर्ड। मिठास के लिए मैं उसमें डाल रही हूँ खरबूजा यानी कि मस्क मेलन, जिससे कि उसका स्वाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। इसके साथ साथ मैं सागो भी डाल रही हूँ और भी बहुत कुछ डलेगा, तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। आप इसे ट्राई ज़रूर करना। कि देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। अगर घर पे मेहमान आने हों तो उनको सर्व करने के लिए भी ये बिल्कुल नई और बहुत टेस्टी रेसिपी है, और इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। जब पानी बॉयल होने लगे तब मैं इसमें डाल रही हूँ साबूदाना। इसे मैंने 7 से 8 घंटे सोख करके रखा था, तो ये सोक्ड साबूदाना है। इसे 5 से 6 मिनट तक हमें बॉयल करना है। साबूदाना आपने नमकीन तो खाया होगा, लेकिन ये इस कस्टर्ड रेसिपी में बहुत ही टेस्टी लगता है। साबूदाना, जिसे सागो भी कहा जाता है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत अच्छा होता है। ये ग्लूटेन फ्री है, पोटेशियम रिच है, और इसके साथ साथ ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी न किसी फॉर्म में इसे भी अपनी डाइट में ज़रूर लें। मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा दूध। अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1/2 लीटर दूध। अब ये जो कस्टर्ड हमने रखा था इसे भी इसमें डाल देंगे, और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिना रुके मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर स्ट्रैंड्स। इससे इसका खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत एनहेंस होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। आप चाहें तो इसमें वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर में यूजुअली होता है, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। मैं आज इसे मस्क मेलन के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं। आप इसमें मैंगो प्योरे डाल सकते हैं, पाइनएप्पल प्योरे डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को प्योरे करके डाल सकते हैं। कुछ भी डालें, लेकिन शुगर अवॉइड करें। शुगर का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेश फ्रूट से टेस्ट भी अच्छा आता है और एक नेचुरल स्वीटनेस भी मिलती है, तो हमेशा फ्रेश फ्रूट्स ही यूज़ करें। अब ये गाढ़ा हो रहा है तो गैस बंद कर देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें अपनी फ्रूट प्योरे डालेंगे। खरबूजे को काट लेती हूँ और उसकी प्योरे बना लेती हूँ। क्योंकि फ्रूट्स खट्टे होते हैं, तो हमेशा जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें डालें। चाहे आप पाइनएप्पल यूज़ करें, कोई भी फ्रूट यूज़ करें, तो जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाए उसके बाद ही डालें। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये प्योरे भी रेडी है, तो इसे मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी खांड। आप चाहें तो बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मिठास कम लगे तो आप इसमें 1 चम्मच देसी खांड डाल सकते हैं। तो इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं।